मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्गलक्ष मंगलाय तनोदरी ओं भूर्भुवस्व दश विदुर्वणेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओं तत्कृपाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओं ब्रह्मवंतारी भानु शशि भूमिषद विदश गुरु शुकशनि राहु केतवा सरुद्रा शांति भवतु ओं स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्वा स्वस्ति न भूषा विश्ववेदा स्वस्ति न हस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दीर्घधातु अब बार और वधु फेरे के लिए खड़े हो जाए और फेरे प्रारंभ करें। विवाह संपन्न हुआ। सामाजिक परंपराओं को बदलना, रूढ़ियों को तोड़ना आसान नहीं हुआ करता। इन सामाजिक परंपराओं को बदलने के लिए कुछ व्यक्तित्व होते हैं जो अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं और वही जीवन भरा दांव समाज में एक परिवर्तन लाता है। सन 1942 और आज सन 2023 कितना बड़ा परिवर्तन हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं में। अभी तक जया दीदी नहीं आई, इतनी मुश्किल से सारे घर वालों से छुप के मैंने उन्हें सारी बातें बताई थी। अगर आज जया दीदी टाइम पे नहीं आए तो आज तो मेरा बोलना हो ही जाएगा और मेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। गुड़िया ऐसे बोला के ना मैं लड़के वाले आती हूँ। पर माँ तू तो मुझे समझ, मैं सिर्फ 12 वर्ष की हूँ। 12 छोरिया बरस से नहीं हर मिनट से बड़ी हुए है। मुझे भी थारे बाबा इसी उम्र में लाए थे। पर माँ ये वक्त कुछ और है और वो वक्त कुछ और था। और तो का वक्त ना कभी बदला है और ना ही कभी बदलेगा। पर माँ मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या माँ? क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? पति के दिल का रास्ता सीधा पेट से होके निकलता है। चाय पानी और रसोई के गुण सीख ले, वही काफी है। पर बाबा उसकी उम्र में से दुगनी है दुगनी। हाँ तो वह तजुर्बे से चलता है, औरतों के बकबक से नहीं। पर बाबा वो दारू पीता है, नशा करता है, उसका क्या? छोरी अब तू थारे मर्द में सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा? अपनी आवाज अपने माँ के पल्लू की तरह नीचे कर ले और जा जाके ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। चाय पानी की व्यवस्था कर लो, मेहमान आते ही होंगे। पधारो पधारो बेटी, चाय पानी की व्यवस्था कर दी। आई जी आए हैं। राम सिंह सारी रस्में पूरी हो चुकी है, अब आप बुढ़िया को ले जाने आए हैं। अपनी बेटी की विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ मुझे नहीं जाना है। राम सिंह थारी बेटी क्या कह रही है? अरे अरे चिंता न कीजिए, नादान बेटी ही नादान, अभी आपके साथ विदा हो जाएगी। माँ मुझे ससुराल नहीं जाना है। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो जबरदस्ती ही ले जाना पड़ेगा। चल जया दीदी रुको, आप ये गोरे नहीं करवा सकते। गुड़िया अभी बालिक नहीं है, सिर्फ 12 वर्ष की है। वो अभी ओला शादी तो हो चुकी है ना, अब वो खुद चाहे तो भी यहाँ नहीं रह सकती। ये गुड़िया का घर है और वो यही रहेगी। घर ये नहीं था, अब उसके पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, शादी होते ही लड़कियाँ अपने घर से पराई हो जाती है और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। कमाल की बात है, जिस बच्चे को माँ बाप अपनी गुड़िया समझ कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं उसे दुनिया कितनी आसानी से खिलौना समझ लेती है।
है। तो क्या गलत कह रही हो? बुढ़िया बनना चाहती है और कुछ बनना चाहती है। भोलिया सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है और आप जैसी सोच रखने वाले सिर्फ हवालात में अच्छे लगते हैं। मैं थाने आगे हाथ जोड़ू भगवान के लिए, ससुराल चली जाओ, इसकी बातों में ना आओ। माँ मुझे नहीं जाना है, मुझे पढ़ना है और कुछ बनना है। ए छोरी, चार किताबें पढ़कर हमें कानून न सिखा, हमारे माथे पर न दे। देख तू बच्ची है, बीच में ना पढ़। वाह, ये जानते नहीं थे कि गुड़िया अभी बच्चे है, फिर भी जबरदस्ती ब्याह करवा के अपने घर ले जाना चाहते हो? ऐसे काम तो तुम्हारे जैसे नीचे सोच रखने वाले ही कर सकते हैं। ये इसे नहीं मानेगी, इसे तो जबरदस्ती ही ले जाना पड़ेगा। चल, अरे बाप रे, हम तो डर गए। ये ले तेरे कोर्ट के ऑर्डर, ये हमारा गांव है, यहाँ पे हमारा कानून चलता है, तेरी तो चल। मुझे नहीं जाना है। आप गुड़िया को नहीं ले जा सकते। नहीं, तेरी तो चल। बंद करो ये नाटक। जय दीदी, आप ठीक तो है ना? हाँ। थाने पतो ना है, बाल विवाह कानूनन अपराध है, लगता है तुझे हवालात की हवा खानी पड़ेगी। चल हमारे साथ चल। यदि कन्या की सेहत को बचाना है तो समाज से बाल विवाह को मिटाना है। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, बाल विवाह को मिटाएं हम। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।